बाबा। हाँ, अचानक क्यों दोपहर के धूप में चद्दर ओढ़ रखा है? चोर जैसा नंद गोपाल चल रहा है चोरी चोरी, छुपा के रखा है चद्दर के अंदर नकाब। आज की रात अंधेरे में सबक सीखेगा गोपी। आईने के सामने खड़े होके गोपी हंस क्यों रहा है? अजीब वस्त्र पहन के गोपी मुंह पे पोत रहा है कालिक। ऐसे करके उछल कूद कर जब वो घर से निकल पड़ा, नंदू कैसे डर जाएगा, हंस रहा है सोच कर। आधी रात को भूत जैसा जंगलों के बीच कौन है? बुद्धि लगा के नंद गोपाल मुख में मुकुट पहने। है गोपी आए ना इधर वो घूम के। नंद गोपाल भय दिखाएगा, प्राण जाएगा उसका उड़। वहाँ कौन है जिसका शक्ल छुपा है मूछों के बीच में? पतला गोपी घूम रहा है जंगलों झाड़ में। नंदू जब घर के रास्ते से आएगा पेड़ के पास, मारो मारो बोल कर गिरेगा वो उसके कंधे पे। नंद चले धीरे धीरे एक दो कदम आगे, टक टक करे चले गोपी सावधान होकर आगे। झाड़ों के बीच से जब वो गया देखने, दोनों एक साथ आ गए एक दूसरे के सामने। दोनों गिर पड़े, गोपी ने कहा मार 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 गोपी। छोड़ के नंदू गिर पड़ा नकाब, लग गया उसको दांत। गोपी को लग गया बुखार, डर के मारे 104 गांव के लोगों ने दौड़ के बुलाया जाके डॉक्टर को। कोई हंसे कोई रोए इन दोनों का नाटक देखकर। नंदू गोपी का किस्मत खराब, अंधुआ ऐसे देख के उन दोनों को सभी हंस पड़े लोट पोट कर। नंदू बोल गोपी, हमारा रोज रोज का ये झगड़ा झमेला गांव लोगों को अच्छा नहीं लगता। हाँ, सभी परेशान हो गए हैं परेशान। हम लोग झगड़ा करके एक दूसरे को डरा कर मर रहे हैं और वो लोग देखकर मजे ले रहे हैं। नहीं और नहीं, नंदू और गोपी अब से दुश्मन नहीं है, दोस्त है। जिसको बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड। आज से हम दोनों को देखकर कोई नहीं हंसेगा। बदले में हम लोग दुखी लोगों को हंसा देंगे। एक राज्य था लेकिन छोटा और शक्तिशाली था। राजमाता सुचंद्रा अपने दोनों बेटे काल केतु और श्वेत केतु के साथ रहती थी। उनका बड़ा बेटा श्वेत केतु पूरा दिन राज्य के काम संभालने के बाद दोनों भाई पासा खेलते थे। ये देखो पाँच। इस बार आप हार जाएंगे भैया। महाराज इन लोग आपसे मिलने आए हैं। क्या बात है बोलिए। महाराज कुछ दिनों से गांव में हंगामा मचा है, गाय भैंस गधा सब कुछ अचानक गायब हो जा रहा है। जंगल के पास में गांव है हमारा, शेर बाघ या चोर हो सकते हैं। आप लोग डरिए मत, मैं सेनाओं को भेज दूंगा जंगल में पहरा देने के लिए। सेना भेज रहे हैं तो भेजिए भैया, लेकिन मैं भी साथ में जाऊंगा। एक बार मैं अपने आंखों से मैं सब देखना चाहता हूँ।
ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे। बातों के अनुसार कल के तू सेनाओं के साथ रवाना हो गए इधर जंगल में। धत, रोज रोज पशुओं का मांस खा खा के मेरा मुंह पक गया है, किसी इंसान का मांस मिलता तो अच्छा होता। आप बेवकूफ है, वरना चाहते तो इंसान खा सकते थे। कैसे? सुनिए, राज्य का छोटा राजा काल केतु जंगल घूमने आए हैं। हाँ, तू ठीक बोल रहा है। वो देखो छोटे राजा काल केतु। रुक जाओ, अभी मजा चला। इस जंगल में कौन रो रहा है? महाराज, किसी औरत की रोने की आवाज है। अब यही पे रुकिए, मैं जाके देखता हूँ। माँ जी, आप कौन है? इस जंगल में बैठ के रो क्यों रही है? कौन हूँ मैं? तू देखना चाहता है तो फिर देख मुझे। छोड़ूंगा, लेकिन अपने मुंह में। महाराज, जंगल में से चिल्लाने की आवाज आई थी। हाँ, एक खतरनाक डाकू था, उस डाकू को मैंने मार दिया, उसी का चिल्लाने का आवाज था। चलो अब महल में चलते हैं। सच में छोटे, आज तुम्हारे वजह से मुझे बहुत गर्व हो रहा है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? आपके साथ पासा खेलना चाहता हूँ। अगर आप हार गए तो आपके जगह मैं राजा बनूंगा और आपको ये राज्य त्याग कर जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। पासा खेलने बैठे सेठ के तू, अपने भाई के रूप में अभी राक्षस के साथ खेल में हार गए और महल से जाने का वक्त। काल केतु, तुम जो कर रहे हो बहुत बड़ी अन्याय है। ये मत भूलिए कि अब मैं राजा हूँ, मुँह संभाल के बात करो, वरना क्या करोगे? देखोगी क्या करूँगा मैं। ठीक है तो फिर देखो। पहरी आदेश महाराज। इसे इसी वक्त कल कोठरी में बंद कर दो। इनको कल कोठरी में? क्या हुआ, मेरा बात सुनाई नहीं दिया? नहीं नहीं, जा रहा हूँ, आइए रानी माँ। क्या हुआ, अभी भी तुम यहीं पे खड़े हो? जा रहे हो या फिर मृत्यु दंड दूँ? नहीं नहीं भाई, मैं जा रहा हूँ। राजमहल छोड़कर सेठ के तुम इधर उधर भटकने लगे। रात को मंदिर में रहते थे और इधर राक्षस ने अपना अत्याचार पूरे राज्य में करने लगा। तभी एक दिन ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव प्रणाम। तुम्हारा प्रजा राक्षस के अत्याचार से दुखी है। ये कैसे हो सकता है, मैं तो अपना राज्य अपने भाई को सौंप के आया हूँ। वो तुम्हारा भाई नहीं है, वो राक्षस तुम्हारा भाई का बात करके रूप बदल लिया है। ए लो त्रिशूल, इस त्रिशूल के द्वारा उस राक्षस का वध करना और अपना राज्य संभालना। जो आज्ञा महादेव। तुम फिर से आ गए, मेरा सिंहासन हासिल करने आए हो। सिंहासन पाने से पहले तुम नरक में जाओगे। तुम्हारे ज्वाला को तो मैं बीच में रोक दिया, देखो तो तुम मेरे इस त्रिशूल को ऐसे रोकते हो।
उस दिन से सेठ केतु अपने राज्य को संभालने लगा। राजमाता सुचंद्रा भी अलकोट्री से मुक्त हो गई, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है कि राजा सेठ केतु जब राज्य त्याग के जा रहे थे तो माँ को क्यों नहीं लेके गए? कारण यह था कि राजा सेठ केतु का उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था। अगर ले जाते तो ये उनकी मूर्खता होती। आदा होता, आदा बोला। बच्चों, आज मैं तुम लोगों को संदेश भेजने के लिए एक नया पाठ पढ़ाऊंगा। अंधा? जी सर। मैं पाठ शुरू कर रहा हूँ और तुम? जी जी सर। मैं बूंदा को संदेश भेज रहा था सर। क्लास के बाहर जाके जितना संदेश देना है दे, क्लास से बाहर निकल। ठीक है सर, जा रहा हूँ। सर, संदेश भेजने के बारे में अच्छा पढ़ाए है। सच में बूंदा? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है बिरजू। क्या बता? संदेश भेजने के बारे में सर हमें जो समझाए हैं, चलो हम प्रयोग करते हैं। ठीक है बूंदा। तुम लोगों का सारा मैं तहस नहस कर दूंगा। बिरजू, हम तो टेलीफोन का तार तो बना लिए। बता कैसा बना है बिरजू? अच्छा बना है बूंदा। हमारा जवाब नहीं है। बिरजू, अभी तारीफ मत कर, पहले देखे तो सही ये काम करता है कि नहीं। अच्छा बच्चों, मैं तो पाठ नहीं पढ़ पाया और तुम लोग प्रयोग कर रहे हो, मैं नहीं करने दूंगा। तेरे इस प्रयोग को मैं तहस नहस कर दूंगा। मेरा बात सुन पा रहा है बिरजू? तू मुझे सुनाई दे रहा है बंदा। ये क्या अंदर, तू यहाँ क्या करने आया है? यहाँ जहाँ जाएगा बंदा वहाँ वहाँ आएगा अंदा। ये क्या कर रहा है तू? हाँ, क्लास का बाहर तू खड़ा था, तुझे शर्म नहीं है? छोड़ छोड़ तार को, छोड़ तू, छोड़ छोड़। छोड़ूंगा छोड़ूंगा, जरूर छोड़ूंगा। तेरा संदेश तो पूरे दुनिया में फैल गया बूंदा। क्या हुआ बिरजू, तू मुझे शीशा लाने के लिए क्यों बोला? हाँ बूंदा, शीशे से संदेश भेजने का प्रयोग भूल गए। अच्छा, तू इसीलिए मुझे शीशा लाने के लिए बोला? हाँ हाँ, तेरे में बहुत दिमाग है, लेकिन फिर से हम दोनों कर दिया तो चिंता मत करो। बूंदा, चारों तरफ से देख लिया हूँ, कहीं भी अंदर नहीं है। उफ, बच गए। तो फिर ये ले, मैं संदेश भेज रहा हूँ। ये रहा मेरा संदेश। ये क्या हुआ? ये क्या, मेरा आँख चौंधिया गया? कौन शीशा चमका रहा है? शैतान, ये भुंदा मतलब तू मेरे आँखों पे रोशनी डाल रहा है? नहीं मैं नहीं, मैं आपको नहीं, मैं बिरजू को दिखा रहा था। तेरी वजह से मेरा ध्यान भटक गया। बिरजू, तेरे पिताजी मुझे मारेंगे। तू मुझसे शाम को गार्डन में मिलना। अभी मैं यहाँ से भागता हूँ। भागो यहाँ से, भागो 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 भागो। पता है बिरजू, लग रहा है ये किला लेकर हम लोगों को सुनसान जंगल के रास्ते से ही जाना होगा। सही कह रहे हो, लेकिन वहाँ जाना इतना आसान नहीं है बूंदा। मैं भी तेरा आइडिया फ्लॉप कर दूंगा, मैं देखता हूँ तू कैसे जाता है। माफ करना बूंदा, ये तो मैं ले लिया हूँ। ये देख बूंदा, ये मेरा भेजा हुआ संदेश। हाँ, ये कौन मुझे मारा?
मेरा सिर फट गया। आ, आ, आ। ये क्या झाड़ी के पीछे कौन है? सैमसंग लड़को मुझे फिलहाल खींच कर मार रहे हो? मैं नहीं। हमदा मारा है। हमदा तुम मुझे मारा है? रुक, मैं तुझे मजा चखाता हूँ अभी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गया। हमदा तेरा खुद के बनाए गड्ढे में तू खुद ही गिर पड़ा, मजा आ गया। ये है गोपाल फाड़। अब हमारा गोपाल। जय महाराज का जय हो। जय महाराज की जय हो। जय महाराज की जय हो। दशहरा और दीपावली के शुभ अवसर पर 4 दिनों का छुट्टी है। 4 दिन राज्यसभा बंद रहेगा? ये तो बहुत अच्छी बात है, 4 दिन छुट्टी रहेगा, 4 दिन घर पे आराम करेंगे। बहुत दिन बाद छुट्टी मिला है, बहन के घर जाऊंगी। इस 4 दिन की छुट्टी में मैं ससुराल जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, जाएंगे और बहुत मजा करेंगे। क्या बात है 4 दिनों का। आज सभा समाप्त किया जाए। जय महाराज कृष्ण चंद्र का जय हो। जय महाराज कृष्ण चंद्र का जय हो। कल से दशहरा शुरू है, उसके बाद दीपावली, भैया दूज। बहन अपने बच्चे कच्चे लेके आएगी, उससे पहले कुछ तैयारी करना होगा। ये गोपाल का बकरा देख रहे हो? हाँ, सच में बहुत तंदुरुस्त है। इस बकरे को हलाल करके मजे से खाएंगे। क्यों रे हरी, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, इस बकरे को देख रहा था मैं। सोच रहा हूँ काली माँ को बलि चढ़ाऊंगा। ओए, फिर से दोबारा ऐसी बात किया तो तेरा जवान काट लूंगी, जा यहाँ से। पकड़ के पीटेगी, भाग 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 भाग। कहाँ हो, सुनती हो क्या? कहाँ हो तुम? उफ, आ गए, आ रही हूँ। ये देखो महाराज, दीपावली में महाराज क्या क्या उपहार दिए हैं। अय हाय, कितना सुंदर है ये। अब मैं आपको कुछ दिखाऊंगी, वो देखिए मेरी बहन भेजी है आपके लिए। बहुत तंदुरुस्त है। तो फिर भैया दूज के बाद इस बकरे का बिरयानी बनाएंगे। हाँ, यही अच्छा रहेगा। ये गोपाल भैया, मैं हूँ भोला। अच्छा, रुको, आ रहा हूँ। क्या हुआ भोला, बोलो। जैसा हर साल होता है, इस साल भी होगा दशहरा, चंदा दो, लेकिन इस साल और कुछ देना होगा तुम्हें। ये लो, पूजा के लिए चंदा। हाँ, दो। गोपाल भैया, और एक बात था। क्या बात है, बोलो। इस साल दीपावली के बाद एक बकरे का काली माँ को बलि चढ़ाएंगे, अगर आप अपना बकरा देते तो। पूजा के लिए तो मैं चंदा दे चुका हूँ, हो सके तो कुछ फल भी दे सकता हूँ, लेकिन अपना बकरा नहीं दे सकता हूँ। तुम जाओ। दान करने पर काली माँ तुम पे खुश होंगी। तुम्हें कैसे पता? भगवान श्री कृष्णा बोले हैं। तुम्हें श्री कृष्णा बोले हैं? तुम तो बहुत खुश नसीब हो, तुम्हें स्वयं श्री कृष्णा दर्शन दिए हैं। ये बातें तो चारों तरफ फैला देना चाहिए। हाँ, ये रहे पंडित जी, सुन रहे हैं?
पंडित जी। क्या हुआ, क्या हुआ गोपाल? कहाँ जा रहे हैं? मंदिर। भोला का बात सुने हैं? क्या बात? स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसे दर्शन दिए हैं। ये क्या बोल रहे हो गोपाल? इस बात को सबको बताना चाहिए। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पंडित जी, मैं किसी मुसीबत में पड़ गया। पंडित जी, सब ये गोपाल के वजह से हुआ है। क्या है गोपाल, पंडित जी जो बोले हैं सच है क्या? पंडित जी जो कह रहे हैं बिना सुनकर मैं कैसे कहूँ? मैं सुना हूँ कि तुम कृष्णा का दर्शन पाए हो। श्री कृष्णा की नहीं तो? तो ये झूठे हैं। पंडित जी मैं कब कहा हूँ कि मैं दर्शन पाया हूँ? नहीं नहीं, तुम ये बात नहीं बोले हो। ये बात तो मुझे गोपाल बोला था। गोपाल को बुलाओ। आओ गोपाल, सुना हो कि भोला तुम्हें बोला है, दर्शन पाया है। गोपाल भैया सच सच बताना वरना ठीक नहीं होगा। भोला क्या बोला है? भोला कल सुबह सुबह मेरे घर पूजा का चंदा लेने गया था, तभी श्री कृष्ण ये बात बोले है। इसीलिए मैं भी यही समझा था, इसमें मेरा क्या गलती है? श्री कृष्ण ये बात नहीं बोले है, ये बात भगवत गीता में लिखा है। ऐसा हो सकता है लाला जी, मैं तो मूर्ख हूँ। ठीक है तुम अब जाओ। ठीक है मैं चलता हूँ। ओला क्या? सच में भोला बकरा तंदुरुस्त है क्या? सच में वो क्या तंदुरुस्त है बकरा, अगर जाके देखो तो। हाँ गोपाल और उसकी पत्नी बहुत होशियार है, उन्हें बेवकूफ बनाना मुश्किल है। देखता हूँ गोपाल और उसकी पत्नी कितना होशियार है। पहले दशहरा सही से बीत जाने दो, फिर जाऊंगा मैं उसके घर। गोपाल कौन? गोपाल लाला जी तुमसे मिलने आए हैं। ये तो मेरा खुश नसीब है कि लाला जी खुद मेरे घर पधारे। आइए। गोपाल तुम्हारे घर बैठने नहीं आया हूँ, एक बुरा समाचार लेके तुम्हारे घर आया हूँ। कैसा बुरा समाचार लाला जी? कल जब मैं काली माँ का पूजा कर रहा था उसी वक्त कलिमा मुझसे आकर कही, 2 दिन के अंदर हमारे इस पृथ्वी को ध्वंस कर देंगे, हमारे पृथ्वी पर पाप बढ़ गया है, इसलिए मैं सबको बोल रहा हूँ। ये क्या क्यों? हम लोग ऐसा कौन सा बड़ा पाप कर दिए हैं जो कृष्ण भगवान ऐसा सजा दे रहे हैं? मैं कलिमा से यही पूछा था लेकिन माँ मुझे कुछ नहीं बोली, लेकिन एक बात बोली है, 2 दिन के अंदर अपनी इच्छाएं पूरी कर लेना, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ गोपाल। नहीं मेरा कोई अंतिम इच्छा नहीं है, तुम्हारा है। ओहो, तुम्हारा या तुम्हारी पत्नी का अंतिम इच्छा नहीं है तो क्या हुआ, इन सब का तो है ना? इन लोगों का अंतिम इच्छा क्या है जो इन्हें आप मेरे घर लाए हैं? इन लोगों का अंतिम इच्छा ये है कि ये लोग मरने से पहले बकरे का बलि चढ़ना चाहते हैं। इन लोगों को बलि चढ़ना है तो मैं क्या करूं? नहीं बलि चढ़ने से तो नहीं होता है, बलि चढ़ाने के लिए जरूरत है एक बकरे का, उसके बाद उस बकरे को माँ के चरणों में बलि देंगे, उसके बाद उसकी चमड़ी निकलना होगा। हाँ उसके बाद, मुझे पता है उसके बाद उस बकरे का बिरयानी बनेगा। तो तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो?
मैं कोई कसाई हूँ जो मैं बलि दूंगा। ओहो, तुम क्यों बलि चढ़ाओगे? तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, तुम सिर्फ एक इजाजत दे दो। इजाजत? कैसी इजाजत? तुम्हारे बकरे का बलि चढ़ाने का इजाजत चाहिए। मतलब? मतलब उन लोगों का अंतिम इच्छाएं है, माँ के चरणों में ये लोग बलि चढ़ाएंगे। अच्छा, ये बात है, बहाना ना करके साफ साफ बोल देते तो। लेकिन मैं इस बकरे को नहीं दूंगी। दीपावली के बाद भैया दूज है, भैया दूज में मेरे भैया लोग आएंगे। मैं अगर आपको ये बकरा दे दी तो उन्हें बिरयानी बना के मैं कहाँ से खिलाऊंगी, बोलिए। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं दूंगी अपना बकरा, मैं कहाँ से लाऊंगी, बोलिए, कहाँ से बिरयानी बनाऊंगी। बहुत उम्मीद लेकर आया था गोपाल तुम्हारे पास, चलो तुम सब। हाँ हाँ, चलो चलो। लला जी, आप बहुत चालाक है, आपको मैं सबक सिखा के ही रहूंगा। बिरयानी तो मैं आपको खिलाऊंगा। सुनती हो, इस बकरे को यहाँ रखना ठीक नहीं है। सुनो ध्यान से, मैं कुछ सोचा हूँ। क्या सोचे हैं जी? उन लोगों का अंतिम इच्छाएं पूरा करना है, उसके लिए मैं जा रहा हूँ चिड़िया पकड़ने। पता नहीं क्या बोल के चले गए, कुछ समझ में नहीं आया, छोड़ो। चलो, अच्छा हुआ तुम्हारी पत्नी मान गई। जी हाँ लाला जी, मैं अपने पत्नी को बहुत समझाया हूँ। जब सब धंस हो ही जाएगा तो क्या होगा, इस बकरे को रख कर तब जाकर मानी। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। माँ से मैं प्रार्थना करूँगा कि तुम आगे चल के तरक्की करो। ये क्या बोल रहे हैं लाला जी, जब दो दिन बाद सब धंस हो जाएगा तो मैं कैसे आगे तरक्की करूँगा। ठीक है ठीक है, तो फिर तुम अभी जाओ, उन सब लोगों को अपने साथ लेकर सही समय पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है? अब जाओ तुम। मैं जा रहा हूँ लाला जी। सच में भोजन बहुत स्वादिष्ट था ना? बहुत स्वादिष्ट। ये खाना मैं जिंदगी भर याद रखेंगे। जिंदगी भर नहीं, सिर्फ कल मरने से पहले तक याद रहेगा। मेरा एक अंतिम इच्छा है। क्या है तुम्हारा अंतिम इच्छा है? आज रात आप लोग मेरे घर में सोइए, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ। गोपाल भैया, मैं तो नरम नरम बिस्तर पे सोता हूँ, आपके बिस्तर पे मुझे नींद नहीं आएगा। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम लोगों के लिए सब बंदोबस्त किया हूँ। अगर तुम लोग मेरे अंतिम इच्छाएं को पूरा करते तो अच्छा होता। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर करेंगे। चलो चलो, सब अंदर चलो, अंतिम इच्छाएं के लिए मना नहीं करते हैं। क्या बात है, सोने का बंदोबस्त बहुत अच्छा है। क्योंकि आज तो अंतिम रात है। क्या बोले हैं गोपाल भैया? श्री कृष्ण तो हमारा मालिक है, उनके कृपा से ही तो सब सृष्टि है, उनके वजह से ही तो इस दुनिया में पेड़ पौधा जीव जंतु इंसान सब कुछ जन्म लिया है। डांस भी वही करेंगे, आज हमारी जीवन का आखिरी रात है। अच्छा, ऐसी बात है? ठीक है ठीक है,
अब तुम जाओ, हम लोग अभी सोएंगे। हाँ हाँ, नींद आ रहा है। मुझे भी। मुझे भी। अब लोग सोइए, मैं जा रहा हूँ। लाला जी उठिए, उठिए लाला जी, पंडित जी उठो, भोला उठो, सुबह हो गया है। पृथ्वी ध्वंस होने से पहले कुछ पूजा पाठ कर लो। तुम लोग उठो। कौन कौन बुला रहा है? मैं गोपाल हूँ, उठिए अब लोग, उठिए, सुबह हो गया है। हाँ सुबह हो गया, उठो उठो उठो, सब उठो, सुबह हो गई है। घर में बहुत काम है, मेरा कपड़ा कहाँ है? हाँ सच में मेरा भी नहीं है, लाला जी की भी कपड़ा नहीं है। हाँ सच में, तो गोपाल को बुलाओ। गोपाल लाला, आ रहा हूँ। इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? आ रहा हूँ आ रहा हूँ। हमारा कपड़ा कहाँ है? वो सब नदी में बहा दिया। ये क्या, क्यों? कल अब लोग सो गए थे, उसके बाद मैं सोचा कि इस दुनिया में आए हम बिना कपड़ों के, और मरने के बाद भी जाते हैं बिना कपड़े के, तो क्या होगा कपड़ा रख कर। इसलिए मैं उन सब को बहा दिए नदी में। आई आई हम।